आज हम इस वीडियो में तांबा की लोटा, चावल और लोहे की कील से कैसे पानी जांच करते हैं इसके बारे में बताएंगे। चलिए हम सीधा अपने विषय वस्तु की ओर जाते हैं। ये देखिए, ये तांबा का लोटा है। ये इसमें किसी भी प्रकार के कोई तत्व और नहीं रखा गया है। और ये चावल है जिसे हम लोग घर में यूज करते हैं। ये चावल है, ये चावल। और ये लोहे की कील है और इसमें हम भर देते हैं चावल को पूरा एक लोटा। इस लोटे से हम लोग तुलसी चावरा में पानी डालते हैं, वही वाला लोटा है। ये पूरा हो गया। अब इस लोहे की कील को हम इसमें चुभाते जाएंगे इस तरह से, बिल्कुल। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जहाँ भी पानी रहेगा ये ऑटोमेटिक इसके भरोसे ये लोटे ऊपर उड़ जाएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर पानी नहीं है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जहाँ पर पानी रहेगी वहाँ पर ये ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी नहीं है। चलिए भाई, यहाँ पर पानी नहीं है। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे आगे, जहाँ पर रहेगी ये ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। अभी तक तो पानी कहीं पर नहीं है। हमारी वीडियो यार लंबी बनती है, क्या हम लोग बिना एडिट किए दिखाते हैं ना। तो चलिए इसी तरह से बढ़ते चलते हैं, जहाँ पर पानी रहेगी उड़ जाएगा। अभी तक तो यहाँ पर पूरा ड्राई है, कहीं पर भी पानी का संचार नहीं हुआ है। यहाँ पर भी पानी नहीं है, यहाँ तक पानी नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर भी पानी नहीं है, यहाँ पर भी पानी नहीं है, यहाँ पर भी पानी नहीं है। यहाँ पर हल्का हल्का है लेकिन उतना ज़्यादा पानी नहीं है। यहाँ पर भी पानी नहीं है, यहाँ पर भी पानी नहीं है। जहाँ पानी रहेगा या वहाँ पर ये ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी पानी नहीं है। हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहना, हिम्मत नहीं हारना है बिल्कुल। और अपने तरह से कोई एक्स्ट्रा प्रयास भी नहीं करना है। ये पानी जहाँ पर रहेगी ऑटोमेटिक ये खड़ा हो जाएगा। दरअसल हम है वहाँ पूरा ड्राई एरिया है, यहाँ पर कई बोर फैल हो चुका है, उस स्थान पर आज हम खड़े हैं। यहाँ तक पानी नहीं है, यहाँ भी पानी नहीं है, यहाँ भी पानी नहीं है। हमारे इस कदम में भी पानी नहीं है, इस कदम में भी पानी नहीं है। यहाँ पर हल्का हल्का एहसास हो रहा है लेकिन हम पानी के क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। अभी तक तो पानी नहीं मिला है हमें। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है पानी, यहाँ पर भी पानी नहीं है। दरअसल ये पूरा ड्राई पॉइंट है, ये यहाँ पर भी पानी नहीं है। वीडियो हमारी थोड़ा सा लंबा बन रहा है यार, एडिट नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन चलिए दिखाते हैं कहाँ पर पानी है कि नहीं है इस खेत में, वो पता चल जाएगा। यहाँ तक तो नहीं है यार पानी, यहाँ पर भी पानी नहीं है, 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 यहाँ पर भी पानी नहीं है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। जहाँ पर पानी रहेगा वहाँ पर ये ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ है हल्का फुल्का लेकिन उतनी ज़्यादा पानी यहाँ पर भी नहीं है। ये आधा पौन इंच का है यहाँ पर लेकिन ज़्यादा नहीं है। हमें किसानी के लिए कम से कम 3 से 5 HP का पानी चाहिए, वो यहाँ तक नहीं मिला है। यहाँ भी नहीं मिला है, यहाँ भी नहीं मिला है, यहाँ भी नहीं मिला है, यहाँ भी नहीं मिला है। इसी तरह से धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते रहना है और जहाँ पर पानी रहेगा यार वहाँ पर तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा।
यहाँ पर कम है पानी का स्रोत, इतना ज़्यादा नहीं है, है बाकी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, इस तरफ पानी है लेकिन कम है, यहाँ पर भी पानी है, हल्का हल्का यूज पकड़ है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो यार चलिए देखते हैं, ये काम जो है बहुत लॉन्ग वाला काम है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, हमारे इस कदम में भी पानी नहीं है, यहाँ तक भी नहीं है। यार हम लोग पहले से ना अपनी वीडियो में तैयारी करके नहीं रखते, हम सीधा खेत में जाते हैं और जहाँ पर पानी होती है वहाँ पर हम डायरेक्ट बताते हैं यहाँ पर पानी है, यहाँ तक पानी नहीं है, यहाँ पर भी 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 पानी नहीं है। चलते ही जाना है इसी तरह से, बिल्कुल हिम्मत हारना नहीं है, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए हमें चलते ही जाना है, क्योंकि किसान का भाग चमकाना है तो फिर मेहनत हमें करना है, वो तो पैसा देगा लेकिन हमें पानी निकाल के देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा पानी निकाल के देंगे यार तो उसका नाम चलेगा और हम भी गाली नहीं खाएंगे, और ज़बरदस्ती नहीं बताएंगे यार यहाँ पर पानी है कहकर, पानी रहेगा वहीं पर बताएंगे, क्योंकि ये किसान चार बोर करवा चुका है पहले से और बहुत घाटा खा चुका है, तो उसको और घाटा से बचाना है। तो यहाँ तक तो नहीं है भाई पानी, किसान को बता रहे हैं और देख रहा है हमारे आगे है वो, यहाँ तक पानी नहीं है, पूरा ड्राई पॉइंट है। इसी तरह से बढ़ते ही जाना है, किसान के पास बहुत सारा लंबा खेत है लेकिन हमें उसका पूरा सम्मान रखना है, यहाँ तक तो पानी नहीं है, पूरा ड्राई पॉइंट है ये, एक बूंद भी पानी हमें नहीं मिल पाया यहाँ, यहाँ पर भी नहीं, हमारे हम लगभग एक एकड़ के खेत को पार कर गए हैं अब तक, यहाँ तक पानी नहीं मिला, यहाँ पर भी पानी नहीं मिला है, यहाँ पर भी पानी नहीं मिला है। अब हम इस एरिया में चलते हैं, इधर क्या पोजीशन है, इधर पानी है कि नहीं है, इधर पानी है कि नहीं है, इधर पानी है कि नहीं है, देखते हैं, इधर भी पानी नहीं है यार, किसान के लिए बहुत बेडलक है पानी ही नहीं, इसीलिए उनका चार बोर फैल हो चुका है अब तक और वो पांचवे बोर कराने से डर रहा है, फिर भी उनको विश्वास है हमारे ऊपर, हमको बुलाया है कि भैया पानी जांच कर दो, तो हम आज पानी जांच कर रहे हैं, हमें उम्मीद है पानी कहीं मिल जाए, लेकिन मिला नहीं तो यार ज़बरदस्ती कैसे बता दें। चले इसी तरह से बढ़ते हैं आगे, इस खेत में दरअसल चना का फसल लगा हुआ है, इसलिए नीचे देखते हुए चलना पड़ रहा है कि चना नुकसान ना हो जाए। पर कुछ एहसास हो रहा है पानी का, लेकिन उतनी ज़्यादा बार पानी यहाँ पर नहीं है, वो आधा पौन इंच का मिल रहा है पीने खाने के लायक, लेकिन किसानी के लिए 3 से 5 HP का पानी होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा यार। ये देखिए यहाँ पर कुछ पानी है, कुछ ज़्यादा पानी नहीं है, यहाँ पर हल्का से पानी है, तो पानी का जो एरिया है इसी आसपास में, हमें यहीं पर देखना है, क्योंकि पानी हमें मिल चुका है, अब देखना है कि पानी है कहाँ, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए पूरा झटका मार दिया, इतना झटका मारा कि पूरा हमारा लोटा उछल गया। तो यहाँ पर हम फिर चलते हैं फिर से, क्या पोजीशन है, यहीं आसपास है यार पानी, हाँ यही आसपास है, जैसे धार में जाएंगे क्रॉसिंग में उड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पानी है, इस कदम में पानी है, तो हम इस पूरे लाइन को दिखाएंगे और हम उसके क्रॉसिंग में जाएंगे, जो पानी की धार है यार इधर क्या पूरब से पश्चिम की ओर है, तो हमें इस क्रॉसिंग को पकड़ना है, क्रॉसिंग को पकड़ेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक हम आपको उठा कर दिखाएंगे। चलिए थोड़ी मेहनत और करते हैं, इसी आसपास में हम उसके लाइन में पहुँचेंगे, जैसे हम लाइन में पहुँच जाते हैं वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, अभी तक हम लाइन में नहीं पहुंचे हैं यार, पानी की धार में पहुंचने दो, थोड़ा से आ गए हैं, थोड़ा से हम भी मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, यही आसपास है यार,
ऑनलाइन अभी हमें नहीं मिला है, मिलने वाला है। ये देखिए, ये देख लीजिए भाई, ये देखिए कि यहाँ पर है पानी, यहीं पर है पानी, और हम वहाँ से आए थे, इस दिशा में पानी है, तो ये पूरा उड़ गया है। अब एक बार और अब पूरा उठाकर दिखाते हैं यार, हम आपको पूरा उस लाइन में चल के दिखाएंगे कि कितने दूर तक पानी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए कहाँ पर उसकी धार है, कहाँ पर पॉइंट देना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर नहीं है, यही आसपास है धार, हम आप उसको दिखाते हैं कहाँ पर है। चलते हैं धीरे धीरे, पैर रखना पड़ता है, यही आसपास है। चलिए यहाँ पर नहीं है, पानी घूम गई है यहाँ से, एकदम बारीक बारीक गैप रहता है यार, वो पता नहीं चलता, उसके लाइन में जब जाओगे तभी पता चलता है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो पानी जांच किए होते हैं। इसमें थोड़ा सा चावल भी कम हो गया, थोड़ा चावल लाना भाई, थोड़ा सा चावल लाना, तो और चावल लाना पड़ेगा, क्या दो बार चावल गिर गया ना इसमें से, कम हो गया है। चलिए यहाँ पर कैच नहीं कर पा रहे हैं, हम लाइन में नहीं पहुँचे हैं, दरअसल हमारा चावल वहाँ पर गिरा था, वो हम उस लाइन में पहुँचते हैं धीरे धीरे, अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं। क्या बहुत हार्ड वर्क है यार, और क्या है आप लोग यूट्यूब में देखते हैं ना वीडियो, वो कट पीस करके दिखाए रहते हैं, इसलिए पूरा शॉर्ट कट दिख जाता है, ऐसा लगता है बस लोटा में चावल डाले, उठाए और पकड़ लिए, ऐसा नहीं होता, इसमें पूरा बहुत टेक्निक का यूज करना पड़ता है, बहुत समय लेता है यार ये, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं है, बारीक लाइन है, बहुत गहरा है यहाँ पर जो पानी है ना, बहुत गहरा है, मान कर चले इसमें उठ रहा है तो 1000 फीट से भी ज़्यादा गहरा में पानी है, ये ऊपर का लाइन होता तो तुरंत पकड़ में आ जाता, ये बहुत गहरा पॉइंट है, ये किसान को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 1000 फीट से भी ज़्यादा का इसमें खुदाई करेगा तब पानी निकलेगा। हाँ चलिए अब हो गया, अब ये जल्दी से पकड़ेगा भाई। इस लोटे के उपयोग मैं तभी करता हूँ जब बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया रहता है और पानी ऊपर में नहीं मिलता, तब ये पानी यही आसपास है, ये इसी आसपास में हम पैर ले जा रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये देख लो भाई, हम पॉइंट में ही खड़े हैं, ये देख लो, ये देख लीजिए, दिखा दो भाई अच्छे से, ये यहीं पर धार है, किसान का भविष्य यहीं पर चमकेगा, इतना लोड है इसमें कि आपको 1260 और 1270 फीट की गहराई खोदना पड़ेगा तभी पानी निकलेगा। ऊपर में होती पानी तो आसानी से पकड़ में आ जाता है, एक ही दो बार में पकड़ जाता है, लेकिन इसकी गहराई इतनी अधिक है कि हमें अर्थिंग मिलने में काफ़ी समय लगा। ये वीडियो 15 से 20 मिनट तक का जा रहा है, लेकिन उसमें चिंता मत करिए, अब लास्ट तक देखिए, देखिए कितना पानी है इसमें, अभी तक नहीं छोड़ा है यार। चावल को भी दिखा दे भाई, लोहे की कील को भी दिखा दे दो, ये लो पूरा भाई स्पष्ट देख लो, जहाँ यहाँ यहीं पर पानी है, और यहाँ पर कम से कम 1200 से 1300 फीट तक की खुदाई करना पड़ेगा, इसी एवरेज की खुदाई पर ही पानी निकलेगा, 400-500 फीट की खुदाई करने पर पानी नहीं निकलेगा। हमारे किसान भाई ने 4 बोर करवाया, 1000 फीट करवाया, लेकिन उसके भाग में पानी 1200 फीट के प्लस जा रहा है, तो देख लीजिए भाई, ये आपको भी 1200 फीट की गहराई करवाना पड़ेगा, 1200 से 1500 फीट करवा दो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो भाई, ये धार है अभी तक नहीं गिर रहा है, ये क्योंकि मैं धार में ही खड़ा हूँ, जैसी पोजीशन चेंज करूँगा ये गिर जाएगा, देख लो, ये दिखा दे भाई कैमरामैन पब्लिक को अच्छे से दिखा दो, ये हमारे वीडियो का यार आप लोग लास्ट तक देखना, हम लोग क्यों रियल दिखाते हैं, बिना एडिट के दिखाते हैं, तो हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सौरी भाई को इजाज़त दीजिए, और आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599, तब तक के लिए
जय जोहार, दिखाते रहो भाई, जब तक खड़ा है तब तक दिखाते रहो इसको। देख लो भाई, ये देख लो, अभी मैं पानी के धार में चल रहा हूँ, जहाँ पर पानी छूटेगी वहाँ पर ये गिर जाएगा। देख लो भाई अच्छे से, ये पानी की धार है, वहाँ पर से एक पानी की धार इधर आई है, मतलब वो बाजू वाले किसान के खेत से पानी की धार इधर आई है, और अभी तक ये धार में ही खड़ा हूँ मैं, और ये धार इधर जा रही है भाई। देख लो, पीछे भी देखते रहना भाई, कुछ रहेगा तो बता देना, पीछे नहीं दिख रहा है मुझे। ये देखो भाई, ये पानी की धार है। भले हमें मेहनत करने में बहुत समय लगा, किसान का चना रौंद आ रहा है, चिंता मत करना भाई, आपका भविष्य भी बन रहा है। देखो ये पानी की धार है, देखो ये पानी की धार है, ये तांबा का लोटा, चावल लोहे की कितने समय से खड़ी, देखियो जब पानी की धार मिलता है ना भाई, इसी तरह से होता है। देखो ये, इसमें किसी तरह का कोई जादू का उपयोग नहीं किया गया है, और हमारा वीडियो यार रीजनल होता है, इसी तरह पब्लिक वॉचिंग भी करती है, क्योंकि रियल होता है, कोई फेक नहीं होती। देख लो ये पानी की धार है, हमें इसका पता चल रहा है, वजन से पता चल रहा है कि किधर चलना है। पीछे में हम वजन के हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ हल्का लगता है उस साइड हम नहीं चलते हैं। देखो ये किसान के खेत का उस हिस्से में पानी नहीं है, उसके आधे हिस्से के इस पार देखो कितना पानी है। अभी तक यार 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लोटा इसी खड़ा हुआ है। देखो एक छोटे से लोहे की कील के सहारा, देख लो भाई। और यार हमारी वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखना, तब समझ पड़ेगा देखो कितनी धार है, और जितना भी बोर हुआ है इस किसान के खेत में, उसी साइड में बताया है पानी बताने वालों ने, चार चार बोर फैल, वो भी हजार हजार फीट का। लेकिन ये बोर फैल नहीं होगा भाई, देखो ये जो अनमाता है ना, चावल जिसको हम लोग अनमाता बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलती है, लोहे की कील के भरोसे पूरी लोटे खड़ी हुई। देखो कितने समय तक, और वो भी वीडियो को देख लेना, बिना 1% एडिट के दिखाता हूँ मैं। देखो ये, और ये जब तक पानी की धार से हम पीछे नहीं हटेंगे यार, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। देख लो ये, तो भाई जब तक हम पानी की धार में है तब तक दिखाते रहना यार। और हाँ किसान भाई लोग, आप लोग अगर बोर करवाना है तो बेझिझक संपर्क कर लो यार, और ऐसी एरिया में बुलाना मुझे जहाँ अब तक पानी नहीं निकला है, या पानी अब तक फैल होता ही रहा है। और जांच करने वाले भी देख लो यार, फेक न्यूज मत फैलाना भाई। देख लो ये ओरिजिनल है, आप लोग भी ऐसे यूज करना भाई, जहाँ पर पानी की धार रहेगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, मैं इसमें 1% भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये सॉरी भाई, दमदारी से काम करता है, यहाँ पर पानी की धार टूट गई है, देखो कितना लंबा उसका आधे खेत में कवर किया, तो पानी की जो धार है ना भाई, इधर बढ़ गई है, इधर से ऐसे पानी की धार गई है, हमारे इस कदम में धार नहीं है। हम पूरा उठा कर दिखा देते हैं चावल, ये चावल, इस चावल का कमाल है। हम किसान को इसी एरिया में पॉइंट करने के लिए बोलेंगे, देख लो भाई पूरा दिखा दो ये चावल। तो भाई आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में यूज करके देखना, घर में अगर 5-7 सदस्य है, या अपने मोहल्ले में कोई लोग हैं, इसको इसी तरह से इसमें तांबे का लोटा लेना, चावल पकड़ा देना, लोहे की कील हो या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा भी हो, कुछ भी हो, उसमें ऐसे यूज करते जाना, जहाँ पानी है वहाँ पर ये पकड़ेगा, खड़ा हो जाएगा। फिर हम अगली वीडियो में आपको फिर नई टेक्निक बताएंगे, लेकिन ये टेक्निक जितनी ज़्यादा गहराई की पानी लेना होता है तभी काम करता है, ज़्यादातर आपको 1000, 1200, 1500 फीट की अगर पानी जांच करना है तो आप तांबे की लोटे से जांच कर लेना, ये 100% परिणाम देती है। लेकिन अपने तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है भाई इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो किसान धोखा खाएगा, आपको पैसा कमा लोगे लेकिन किसान बर्बाद हो जाएगा, तो हमें किसान को बर्बाद होने से बचाना है। तो भाई फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।